आपकी तैयारी शानदार चल रही है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों बताइएगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हुड़ा सम्मेलन में जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था। तो इनमें से कौन से शासक थे जोधपुर के जिन्होंने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तीसरा, सांची जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों बताइए सांची जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गागरून दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष कौन था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुहिल। अगला क्वेश्चन है छठा, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बदन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है सातवां, छप्पन का मैदान विस्तार किन जिलों में है। तो दोस्तों जो छप्पन का मैदान है इसका विस्तार यानी कि ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तीनों ही जिलों में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है आठवां, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताएं सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है नौवां, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है। तो कितने वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, मोरेल बांध कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ग्यारहवां, वीर सतसाई किसकी महत्वपूर्ण कृति है, यानी कि वीर सतसई है किसके द्वारा रची गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को कहां से गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महामंदिर का झालरा कब बनाया गया, कौन सी सन में इसे बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1660 में। अगला क्वेश्चन है चौदहवां, नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल किस जिले में है। आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी। तो इनमें से कौन सा शासक था जिसकी पुत्री थी कृष्ण कुमारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौर शासक कौन था। तो दोस्तों बताइए मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाला प्रथम राठौर शासक था वो कौन सा शासक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव कल्याण मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का अर्धशाखा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सा जिला है जिसका अर्धशाखा फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों कौन से अंग में पहना जाता है असली आभूषण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गले में। अगला क्वेश्चन है 19वां, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें क्या क्या स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जालीबाव बावड़ी, मामदेव कुंड और पृथ्वीराज की छतरी, तीनों ही कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है, मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताएं मचकुंड ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। दोस्तों आपको कमेंट सेशन में कमेंट करते रहना है और अंत में ज़रूर बताना है यहाँ से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। साथ ही क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के यदि आपको क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर तथा झाला रानी का महल किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं? यानी कि जो कुंभ श्याम मंदिर है और झाला रानी का महल है, ये कौन सा दुर्ग है, कौन से दुर्ग है उसमें स्थित है, उनकी शोभा बढ़ाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसके किनारे पर जालौर का किला है वो स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकड़ी नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है, बाड़ोली का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बताइए कौन सा जिला है जिसमें बाड़ोली का शिव मंदिर है वो स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए बम नृत्य कौन से जिलों का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अलवर और भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना में किस खनिज की खान है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां अरावली की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों यहां पर लगभग में पूछी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700 किलोमीटर के लगभग है अरावली की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम कब बना, कौन से सन में बना था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? तो कौन सा जिला में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा राजविलास की रचना की गई? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कवि मान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए कौन सी नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बताइए किनके द्वारा सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो कौन सी जगह पर स्थित है महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाड़ोली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो दोस्तों बताइए, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी रियासत है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर जिले में कौन सा मेला लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलायत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी दीवार की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 36 किलोमीटर। साथियों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कर लेना, और इसी तरह के यदि आपको एग्जाम तक क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में आपको ज़रूर बताना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चंस सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर डी, सारंगपुर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताएं, राजस्थान में हीरे की खान है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केसरपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है राजस्थान का प्रथम रोपवे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जालौर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी जगह पर स्थित है राजस्थान में दूध बावड़ी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का सोनारगढ़ किला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकूट पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, तो दोस्तों बताइएगा, जवाहर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है, क्वेश्चन आपके लिए है। तो बताइएगा कि जवाहर बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है आपको कमेंट सेशन में ज़रूर देना है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसी तरह एग्जाम तक क्वेश्चंस चाहिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताना आपने इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।